हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्केटीच में। तो आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जो कि 2018 का पेपर है उसकी सेक्शन सी में आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो हम आपको बताएंगे जो कि क्वेश्चन 7 और 7वीं का फर्स्ट ए है और बी, ये दोनों हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लें, वहाँ पर आपको वीडियो मिलती रहती हैं बहुत ही अच्छी अच्छी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया है क्वेश्चन 7 में हमको, हमें भरना है खालिस्तान विद द करेक्ट आंसर भरना है इन ब्रैकेट में। तो चलिए पहला देख लेते हैं, बी प्लेड इवेंट्स इन द सोशल गैदरिंग। तो हम देख रहा है इवेंट क्या ई से शुरू हो रहा है और ई में हम क्या लगाते हैं एन, तो पहले में आप लोग क्या भर दोगे एन। ठीक है दोस्तों, पहले में आपको क्या भरना है एन, क्योंकि आस है जो आते हैं सॉरी इसमें हम एन भरते हैं, तो इसमें पहले वाले में क्या हो जाएगा एन, तो आप लोग भर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही हो तो आप 3 डॉट पर जाकर आपकी वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, तो दूसरे में हम चलते हैं। दूसरा है हमारा, हाउ मनी डिड यू कलेक्ट। तो दोस्तों जब भी ऐसा मच या मैनी का आपको वाक आए तो आपको सिर्फ ये देखना है, खालिस्तान के बाद अगर आपको कोई भी इस साइड अगर कोई वाक दिया उसमें अगर ई एस या एस लगा हो तो आपको वहाँ पर सिर्फ मैनी का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा ये दोनों ये आपको नहीं दी हो तो आपको वहाँ पर क्या मच का प्रयोग करना है, किसका मच का। चलिए देख लेते हैं इसमें हमें क्या दिया है। तो इसमें हम देखते हैं दूसरे में देखते हैं हाउ मनी, तो इसमें एस या ई एस नहीं दिया है तो इसे हम क्या किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो हम इसका किसका करेंगे मच का प्रयोग। तो दूसरे में आप लोगों का क्या हो जाएगा मच। ठीक है दोस्तों, दूसरे में आप लोग क्या भरेंगे मच। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा दिया है द चाइल्ड हैज द टॉय। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हैज लिखा है, हैज और हैज क्या, हैज में क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो क्या हो जाएगा ब्रोकन इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ब्रोकन, तो आप लोग क्या कर देंगे ब्रोकन कर देना। तीसरे का आंसर आप लोग ब्रोकन कर देना, ये हमने लिख दिया है ब्रोकन इस तीसरे का आंसर इज राइट है। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथे में हमें जो दिया है यू डू दिस वर्क इन एनी वे यू लाइक, तो यू कैन डू दिस वर्क हम शक्ति बता रहे हैं क्योंकि हम कर सकते हैं इस काम को, तो क्या शक्ति बताना किस में आता है कैन में, तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं कैन का, यू कैन डू दिस वर्क और यू आगे वो लिख देना। चलिए क्वेश्चन 5वां देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 में हमको दिया है वन ऑफ द सर्वेंट्स दिस वर्क, तो इसमें क्या एस लगा है, सर्वेंट्स यानी क्या कर्मचारी या नौकरों, कर्मचारी बोल सकते हैं या नौकरों, नौकरों दिया है बहुवचन है तो बहुवचन में किसका प्रयोग करते हैं डू का प्रयोग करते हैं, डच का प्रयोग एक वचन में करते हैं इसलिए हम इसमें क्या भर देंगे डू भर देंगे, डू इसका क्या हो जाए करेक्ट आंसर। तो आप लोग मैंने 5 बता दिए हैं। चलिए अब हम डू एच डायरेक्टर पर बात करते हैं, क्वेश्चन बी का सॉल्व करते हैं। पहला देख लेते हैं क्या है, तो पहले में हमें दिया है सीता डज नॉट लाइक एनिमल्स, तो हमें इससे में क्या पैसिव वॉइस बनाना है, तो चलिए देख लेते हैं पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो क्या हो जाएगा ए एनिमल इज नॉट दिया है तो इसलिए हमने नॉट लगा दिया, अगर सीधा दिया रहता है तो नॉट अब थर्ड फॉर्म लगाना है इज नॉट, तो लाइक का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म लाइक्ड और बाई सीता, तो इसमें आपको जो सीता दिया हो तो हमने ये नाम लिख दिया सीता, तो ये इसका क्या पहले का पैसिव वॉइस बन गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं है नहीं तो मैं आपको लीड द्वारा सॉल्व करके बता देता, क्योंकि इसी से हम काम चला रहे हैं क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरा देख लेते हैं। अब तो दूसरा है हमारा द वेदर इज टू हॉट टू गो आउटसाइड, तो सो देट का प्रयोग करना है, तो इसको मैं पूरा लिख कर नहीं बताऊँगा क्योंकि ये आपको आता ही होगा, तो ये आपको टू की जगह क्या करना है सो लगा देना है, तो क्या हो जाएगा द वेदर इज सो हॉट, पर
टू की जगह क्या दैट लगाना है, दैट गो आउटसाइड, दैट गो, यानी टू की जगह आपको सो लगाना है, फिर टू की जगह दैट लगाना है, तो ये आपका सो दैट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन तीसरा है हमारा, तीसरे में दिया है शिवाला, दैट गोल्ड गिल्टर्स नॉट इज आल, तो इसको हमें क्या सेंटेंस को रीअरेंज करना है, तो चलिए इसको हम रीअरेंज करते हैं। तो इसका रीअरेंज कैसे हो जाएगा, चलिए मैं लिखकर बता देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, all that guilters इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप कर सकते हैं, all that guilters इज नॉट गोल्ड। ठीक है दोस्तों, इज नॉट गोल्ड ये इस प्रकार होगा क्रम, इसको आप कर सकते हैं। पहले all that, तो ये पहला इसमें फर्स्ट ये आएगा all वाला। ठीक है, मैं एक बार और लिख देता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम हो तो। पहला क्या होगा all that, दूसरा होगा तो ये हमने दूसरा लिख दिया all that guilters, तीसरा है तो guilter कर दिया, all that guilter इज चौथा है तो ये इज में हमने ये चौथा कर दिया, all that guilter इज पाँचवा ये है नॉट, और लास्ट में है ये तो ये कर दिया। ठीक है, आप इससे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट दिया है डी वाला, हमें अनलेस का प्रयोग करना है, इफ की जगह हमें क्या अनलेस का प्रयोग करना है, इफ की जगह तो देखते हैं, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो इफ की जगह हम अनलेस का प्रयोग, इफ की जगह हम लिख देंगे अनलेस, तो पहले वाक्य में से हम डू नॉट हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अनलेस क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, और सेम का सेम बाग वैसे ही लिख देना है। तो इसका हम अगर बनाएंगे तो अर्थ क्या निकलेगा, चलिए देख लेते हैं। अनलेस लिखते हैं, अनलेस तो कहने का आशय ये हो रहा है कि यहाँ पर अनलेस यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे, जब हम डू नॉट हटा देते हैं तो क्या बचेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे तो यू विल नॉट पास, तो तुम पास नहीं होगे। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही बन रहा है। चलिए लास्ट डी वाला देख लेते हैं, डी तो अभी देखा है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में हम क्या हैं, तो हमारा नेक्स्ट है आई डिड इट, तो इसे हमें क्या नेगेटिव बनाना है, और हमें दिख रहा है पास्ट का टेंस है, तो ठीक है पास्ट का बनाते हैं, तो आई Did not do it, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है सुधीर गेव मी ए पेन, तो ये भी पास्ट का है, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में बनाना है क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म दी है गेव, गिव गेव। ठीक है दोस्तों, तो इसे सुधीर क्या हो जाएगा, सुधीर गिव्ज, क्योंकि फर्स्ट है एक वचन है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, सुधीर गिव्ज मी पेन, सुधीर गिव्ज मी पेन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको सेक्शन सी बिल्कुल सॉल्व करके बता दिया है, और अगर कुछ गलती हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वैसे तो नहीं होंगी, मैं श्योर हूँ कि आपको मैंने बिल्कुल सही बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।